Very good. Now, the next part, classification of cost on the basis of time. Earlier, we had discussed about on the basis of behavior. Now, we are understanding concept with the time. Time क्या होता है? Time is nothing other than past, present and future. So, past, present, future is considered, इसको concept को हम लोग understand करेंगे. Historical cost, history को understand किया है. History किसके ऊपर relate होता है? Past के ऊपर relate होता है. So, historical cost हमारे लिए वो cost होता है which is incurred, हो चुका है, कर चुके सनम. So, वो कॉस्ट हमारे लिए हो चुका है. से फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों ने 5 साल पहले 10,000 रुपए का फर्नीचर परचेस किया. दैट्स इट, आपने परचेस कर लिया, उसका कॉस्ट 10,000 रुपए था. सो हिस्टोरिकल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बाय ICWA, अभी वो ICAI इंडिया, आर द एक्चुअल कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग एसेट्स. एक्वायर करना मीन्स टू परचेस करना, और प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज, उस चीज को बनाने का जो खर्चा है. सो दे आर पोस्टमार्टम कॉस्ट. पोस्टमार्टम कब होता है? आफ्टर डेथ होता है, मतलब कोई इवेंट हो जाने के बाद होता है. सो पोस्टमार्टम, ये हो चुका है, कॉस्ट इनकर्ड हो चुका है, हम खर्चा कर चुके सनम. सो खर्चा होने के बाद उसको हम लोग फाइंड आउट कर रहे हैं. असर्टेनमेंट आफ्टर दे हैव बीन इनकर्ड, वो होने के बाद कितना हुआ ये जान रहे हैं हम लोग. दैट इज कंसिडर एज हिस्टोरिकल कॉस्ट. एंड दे आर प्री प्रेजेंट एट द कॉस्ट ऑफ एक्चुअल ऑपरेशनल परफॉर्मेंस. एक्चुअल परफॉर्मेंस, ऑपरेशनल परफॉर्मेंस का जो भी कॉस्ट है, दैट कम्स अंडर द हिस्टोरिकल कॉस्ट. सो वी कैन कंसिडर हिस्टोरिकल कॉस्ट इज अ पास्ट कॉस्ट, ऑलरेडी हो चुका है, विच इज ऑलरेडी इनकर्ड. पोस्टमार्टम कर रहे हैं हम लोग, अभी उसके बारे में देख रहे हैं. नाउ प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, फ्यूचर को फोरकास्ट करके हम लोग इसको फ्यूचर कॉस्ट भी बोल सकते हैं. सो फ्यूचर के लिए ये पर्टिकुलर चीज का एस्टिमेट करना, बजेटिंग करना, स्टैंडर्ड सेट करना, सो दिस इज कंसिडर्ड एज प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑन बेसिस ऑफ टाइम इज हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट. प्री डिटरमाइंड कॉस्ट अकॉर्डिंग टू कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 बाय ICWA इंडिया, फॉर अ प्रोडक्ट्स आर कंप्यूटेड इन एडवांस ऑफ प्रोडक्शन. इन एडवांस, प्रोडक्शन करने से पहले ही हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं. ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिकेशन ऑफ ऑल द फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉस्ट एंड कॉस्ट डेटा, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, अज्यूम करेंगे क्या क्या खर्चा आएगा, और सब कंसिडर करके फ्यूचर के लिए. सो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर फ्यूचर कॉस्ट, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन. सो प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर फ्यूचर कॉस्ट डिटरमाइन इन एडवांस. एडवांस में हम लोग डिटरमाइन कर रहे हैं, डिटरमाइन कर रहे, निश्चित कर रहे हैं इन एडवांस ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड और एस्टिमेट. दस प्री डिटरमाइंड कॉस्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज स्टैंडर्ड कॉस्ट, अदर इज एस्टिमेटेड कॉस्ट. स्टैंडर्ड कॉस्ट आर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑफ एफिशियंट ऑपरेशंस एंड रिलेवेंट नेसेसरी एक्सपेंसेस. हमने ऑलरेडी बहुत अच्छा जो स्टैंडर्ड सेट किया है उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे. और द स्टैंडर्ड कॉस्ट आर यूज एज अ बेसिस ऑफ फिक्सिंग प्राइसेस एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल थ्रू एनालिसिस ऑफ वैरियंसेस. जो भी वैरियंसेस है, वैरियंसेस मतलब डिफरेंसेस, तो हमारा जो प्लान एक्टिविटी है और एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनके बीच में जो डिफरेंस आ रहा है उसको वैरियंस कहेंगे. तो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का है. Estimated cost according to cost accounting standard 1, estimated cost or cost calculated in advance of production or even before accepting sales order, these may be based on the past data. हम लोग plan करने के लिए past data को हम लोग assume करेंगे. And these there are not scientifically calculated and hence are less reliable than standard cost. तो estimate करते वक्त कोई scientific methodology नहीं, but what we need to understand, classification on the basis of time is historical cost and predetermined cost. Historical cost should be understood as a past cost and predetermined cost will consider as a future cost. Yes, I hope this is clear.